हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुंबई का फेमस नागपाड़ा मार्केट। इस मार्केट को कमाटीपुरा मार्केट भी कहते हैं। तो चलो जानते हैं कि यहाँ पे रीच कैसे होना है। आप लोकल ट्रेन पकड़कर मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ जाओ एंड वहाँ से आपको ईस्ट के साइड एग्जिट लेना है। जैसे आप स्टेशन के बाहर आते हो ना, आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो चार्ज करेगी 10 रुपीज़ पर पर्सन एंड आपको पहुँचा देगी नागपाड़ा मार्केट। गाइस, ये है नागपाड़ा का सर्कल, ये है जहूरा स्वीट्स। टैक्सी आपको यहीं रोकती है एंड आपको यहीं से उतर के स्ट्रेट वॉक करना है। राइट हैंड साइड में आपको दो लेन्स दिखेगी, 9वीं गली और 10वीं गली। बस आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं 9वीं गली एक्सप्लोर करती हूँ क्योंकि 9वीं और 10वीं दोनों गलियों में ही मार्केट लगता है। 9वीं गली में मैं एंटर हुई ना, तो मुझे एक फुटवेयर की शॉप दिखी। यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी स्टाइल फुटवेयर भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर आपको फ्लैट्स चाहिए, वेजेस चाहिए, हील्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। प्लेन फ्लैट्स में अगर आप देखते हो तो इनकी प्राइसिंग 350 से स्टार्ट हो जाती है, बट अगर आप हील्स वगैरह ऐसे फुटवेयर, फैंसी फुटवेयर में देखते हो ना, तो इनकी प्राइसिंग 700 से स्टार्ट होती है। आपको हर एक यूनिक और लेटेस्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सारे जो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे इनके एक्सपेंसिव साइड थे, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा हैंडवर्क किया हुआ था सबके ऊपर। बाकी अगर आप नॉर्मल फ्लैट्स में देखते हो ना, तो उसकी प्राइसिंग 350 से स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सारी साइजेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इनके पास अगर आपको ड्रेसेस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ये सारे फुटवेयर बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहे थे। दिखने में जितने सुंदर थे ना, पहनने में उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे और सारे मुझे इस बार यूनिक लगे। अगर आपको शूज़ में कुछ अलग वैरायटी चाहिए थी तो वो भी इनके पास आपको मिल जाएगी। सो ये शॉप आप अगर कमाटीपुरा मार्केट आओ तो ज़रूर विज़िट करना। नेक्स्ट, लखनवी कुर्ती के फ़ैन हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना होगा। चिकनकारी कुर्तीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है जस्ट 350 रुपीज़ स्टार्टिंग से। अगर आपको सेट में चाहिए तो सेट में मिल जाता है, सिंगल कुर्ती चाहिए तो सिंगल कुर्ती भी मिल जाएगी। सेट्स में भी बहुत सुंदर वैरायटी थी, बहुत अच्छा उसके ऊपर वर्क किया हुआ था। जो कढ़ाई की हुई थी ना, वो हैंड की थी, मशीन की नहीं थी गाइस। तो मशीन वाले जो लखनवी कुर्ते होते ना, वो रियल नहीं होते, जो हाथ से किए होते ना, वही ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पे आपको सारी 350 से स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट, साड़ीज़ चाहिए तो इस मार्केट में ये शॉप ज़रूर विज़िट करना, ये है लक्ष्मी साड़ीज़। यहाँ पे साड़ीज़ स्टार्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 की रेंज से। बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज़ थी। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे 800-1000 रेंज की साड़ीज़ थी। बहुत सारे मिक्स होती है, कभी कभार यहाँ पे इतना अच्छा सेल लगता है कि आपको लिटरली 300, 350, 400, 500 पे बहुत सुंदर साड़ीज़ मिल जाती है। इस बार मुझे इनके पास हैंडवर्क वाली साड़ीज़ भी दिखी थी जो बहुत सुंदर थी। प्लेन में अगर आपको चाहिए, बांधनी में चाहिए, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में चाहिए, टिशू सिल्क जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस फैब्रिक में भी आपको यहाँ पे साड़ीज़ देखने को मिल जाएगी। सो अगर एक बार ये मार्केट आओ ना, तो ये स्टॉल ज़रूर चेकआउट करना। ये शॉप आफ्टरनून 3:30 के बाद ओपन हो जाती है। एक्चुअली ये पूरा मार्केट ना आफ्टरनून 3:30 से स्टार्ट होता है लगना। तो अगर आप ये मार्केट विज़िट करना चाहते हो तो 3:30 के बाद ही विज़िट करना, क्योंकि 3:30 अगर आप मेरी तरह रीच होंगे ना, तो सारे स्टॉल्स खुले नहीं होंगे। नेक्स्ट गाइस, इस लेन में ना आपको एक ही स्टॉल दिखेगा, यहाँ पे ये सारे जो खादी के पैंट्स वगैरह होते हैं ना, वो मिलने वाले। प्लाजो चाहिए, स्ट्रेट फिट पैंट्स चाहिए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्कर्ट्स वगैरह चाहिए खादी कॉटन में, तो वो भी इनके पास अवेलेबल थी। सबकी प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ, सो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इनके पास प्रिंटेड में भी स्कर्ट्स अवेलेबल थी, अलग अलग प्लाजोज भी अवेलेबल थे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैंने एक भैया से बात की थी, लिटरली उन्होंने मुझे सबकी प्राइस मेंशन की है। यहाँ पे अगर आपको बड़ी साइजेस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये वाली जो भी मैं स्टॉल दिखा रही हूँ ना, इनके पास बहुत सुंदर कलेक्शन था। प्लाजोस में आपको 5XL, 6XL तक की साइजेस, मतलब जो भी प्लस साइजेस है ना, वो भी इनके पास अवेलेबल थी। अब ये खुद आपको दिखाएंगे और सबकी प्राइस भी मेंशन करेंगे। बहुत सुंदर कलेक्शन है इनके पास, तो एक बार देख लीजिए। पाकिस्तानी पैंट है, इस पैंट भी इसके अंदर आएगा। प्राइस रेंज क्या रहेगी उन कराची पैंट्स की? कराची पैंट 350 से स्टार्ट। 350 से स्टार्ट। इसके बाद में गरारे में अगर चाहिए पार्टी में, तो ऐसा गरारा भी आएगा। ये वाला गरारा है, इसकी प्राइस रेंज? ये 350। इसका भी 350। इसके अंदर गोटा, विदाउट गोटा दोनों आएगा। ओके, गोटा वाला भी मिलेगा, विदाउट गोटा वाला भी मिलेगा। 350, विदाउट गोटा लेंगे तो 300 आएगा। ओके, ये रिवन कपड़े पे आएगा, फुल साइज आएगा, साइज भी अच्छी आएगी। मार्केट की साइज और अपनी साइज बहुत फर्क आएगा। ओके, फुल साइज में मिलेगा ये साइज। उसके बाद में प्रिंटेड में आएगा।
जैसे प्रिंटेड आएगी, प्रिंटेड में इसके अंदर प्रिंट अलग अलग आएंगे। ये कॉटन मटेरियल ही है ना, कॉटन है इसका। एक ये अलग अलग शेड में ना, ऊपर नीचे, नाइस। ये प्रिंटेड में इसके अंदर भी है, ये तो प्रिंट अलग अलग आएंगे। इसके अंदर साइज भी अच्छी आएगी और ये कलर भी अलग अलग है। इसके मींस प्लस साइजेस भी यहाँ पे मिल जाती है, प्लस साइज ज्यादा है। ओके, कलर्स अवेलेबल है बहुत सारे। इसके अंदर कलर अलग अलग मिलेगा अंकल। ब्लैक लेजेंड पर कॉटन पैंट आएगी, कॉटन पैंट बेज आएगी, व्हाइट और बेज दो कलर्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर डिजाइन अलग अलग आएगी, ये भी पैंट अच्छी आएगी। पैंट से इसका जो है डबल एक्सेल है, ये धोती तो खड़े आई बहुत बड़ी सिल्वर कलर की पिंटेज वाली आएगी पूरी। इसमें भी साइज आएगी नाइस पूरी, इससे सेल्फ भी आएगा, व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट भी आएगा। मेरे कौन सा मटेरियल है? कोई भी पहन ले, मींस अप टू कितने तक? 44 ऐसे, ये 60 प्लस है, 60 प्लस है। ये साइज देखो एकदम कैसे भी ले लो, नो टेंशन। लेकिन कपड़े क्वालिटी की पूरी गारंटी है, फटने कटने का कोई टेंशन। और इस लेगिंग की प्राइस जी, प्राइस क्या रहेगी इसकी? ये 500 की आएगी, 500। और इसके अंदर अगर एंकल लेंथ है ना? हां ये एंकल लेंथ है पूरा, इसके विद पॉकेट प्लाजो पैंट, ये भी फुल साइज में मिल जाएगा 250 रुपीज। डबल एक्सल कहीं भी नहीं मिलेगी, पैंट साइज दिखाया। कॉटन शिमर, सिक्स कलर्स अवेलेबल, इसको भी पहना दो। कितने की? ये अपने इधर जो 450 का है। हाँ साइज, बिग साइज इसके अंदर 3 जो अपना एल एक्सएल साइज रहेगा वो 350 आएगा। ओके, ट्रिपल एक्सएल 4XL लेंगे तो 400 आएगा, 5XL लेंगे तो 450 आएगा। साइज इसके ऊपर 50 रुपये प्लस होएगा, प्लस इसके अंदर जो साइज रहेगी आराम ऐसा कोई भी पहन ले, इसमें साइज का कोई टेंशन नहीं ले सकते, कैसी भी लेडी फुल कम्फर्टेबल। कितने की ये वाली? नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको लेसेस भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मेरी लेसेस मिल रही थी सिर्फ 10 रुपीज़ पर मीटर से। गाइस कमाटीपुरा मार्केट एक ऐसा मार्केट है, यहाँ पे आपको क्लॉथ मिल जाता है। जैसे अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ करवाना हो, किसी के लिए फैब्रिक चाहिए तो आप यहाँ से फैब्रिक ले सकते हो। रेडी में कुछ लहंगे चाहिए तो मिल जाएंगे आपको, कुर्ता सेट्स देखने को मिल जाएंगे, दुपट्टे वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाता है। लेसेस का यहाँ पे बहुत सुंदर कलेक्शन रहने वाला है। इस मार्केट की जो टाइमिंग्स है ना, वो आफ्टरनून 3:30 से स्टार्ट होती है। ये मार्केट 3:30 के बाद लगना शुरू हो जाता है, तो अगर आप शॉपिंग के लिए आ रहे हो तो अराउंड 4-5 ऐसे आना, क्योंकि अगर आप दिन में आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे ये सारी कुर्तीज़ दिख रही है ना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 200 में मिलने वाली है। अगर आप ऐसे कॉटन में सेट्स लेना चाहते हो तो वो आपको 650 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। पूरा कुर्ता सेट कॉटन मटेरियल का था एंड ये सारे ब्रांडेड होते हैं, जिस पे आपको 60-80% ऑफ में आपको यहाँ पे बहुत सुंदर मिल जाएंगे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इस मार्केट में ना। आपको कॉटन के सेट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, मटेरियल चाहिए तो मटेरियल मिल जाएगा, फुटवेयर देखने को मिल जाते हैं, रेडीमेड 3 पीस कुर्ता सेट्स, 2 पीस कुर्ता सेट देखने को मिल जाता है, लहंगे देखने को मिल जाते हैं, साड़ीज़ देखने को मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप वेडिंग शॉपिंग के लिए भी आ रहे हो ना, देन ये वाला मार्केट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। भुलेश्वर में कैसे सारी चीज़ें मिलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको सारी अफोर्डेबल चीज़ें मिलेगी। एंड अगर मटेरियल में तो इनके पास इतनी वैरायटी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। 10वीं गली में सिर्फ मटेरियल मिलता है क्लॉथ का, उसमें मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। इवन वहाँ पे हैंडवर्क वाला मटेरियल भी था, जिससे आप खुद कस्टमाइज़ करवा सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाला है। बाकी सबकी प्राइस तो गाइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर ही रही हूँ, जिससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। 10वीं गली में भी आपको यहाँ पे देखो ये फैब्रिक दिख रहा है ना, इसकी प्राइसिंग चालू हो रही थी 150 रुपीज़ पर मीटर से। सबकी अलग अलग प्राइस रहने वाली है, बट अगर इनकी बेसिक प्राइस रेंज पूछो ना आप मेरे को, तो स्टार्टिंग इनकी बेसिक प्राइस रेंज होती है 150 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट। नेक्स्ट, ये वाली जो सूरज कलेक्शन है ना, यहाँ पे आपको मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आप खुद को आपको स्टिच करवाने पड़ते हैं, ये मटेरियल रहने वाले। अगर आपको बांधनी में चाहिए, अलग अलग प्रिंट्स में चाहिए, कॉटन में चाहिए, चंदेरी सिल्क में चाहिए, चंदेरी कॉटन में चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनकी प्राइसिंग चालू होती है 250 रुपीज़ की रेंज से।
250 में भी ना आपको प्योर कॉटन का मटेरियल मिलेगा एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी रहेगी। ये जो हैंडवर्क वाला आप देख रहे हो ना, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 700 कोट की थी। इनका ये पूरा प्रॉपर एड्रेस है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अगर आप पर्सनली विजिट करना चाहते हो तो ये शॉप पर्सनली विजिट भी कर सकते हो। समर में ना यहाँ का कलेक्शन बहुत सुंदर रहता है, आपको कॉटन में बहुत बढ़िया वैरायटी देखने को मिल जाएगी। थोड़े ही दिनों में, अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, तो थोड़े ही दिनों में ना आपको वेलवेट के ड्रेसेस भी देखने को मिल जाएंगे, पाकिस्तानी जो सूट्स होते हैं ना वेलवेट के, वो भी। मैंने लास्ट टाइम विंटर का यहाँ का वीडियो बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, आप मेरा वीडियो चेक करोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। बाकी के ये सारे जो ड्रेसेस है ना, इनकी प्राइसिंग 700 से स्टार्ट होती है, लास्ट प्राइस आपको 700 में दे देते हैं। 250 वाले 250 में मिल जाएंगे, 500 वाले 500 में मिल जाएंगे। ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे 500 वाले थे। सेम मटेरियल रहता है, बस ऊपर जो वर्क किया हुआ रहता है ना, किसी में मशीन वर्क होता है, किसी में सीक्वेंस का, तो किसी में हैंड वर्क आपको मिल जाता है। लहंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिर्फ 2500 की रेंज से, ब्राइडल लहंगे भी इनके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इनकी एक्चुअली एक शॉप है, बाहर ये लोग स्टॉल लगाते हैं, अंदर पूरी इतनी बड़ी शॉप है जहाँ पर सारे डिस्प्ले किए हुए लहंगे वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर लहंगे थे। रेंज इनकी एज यूजल 2500 से स्टार्ट होने वाली है। ये वाला लहंगा डमी पे लगा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इसके ऊपर हैंडवर्क किया हुआ था, दिखने में अलग लग रहा है बट गाइस रियलिटी में इसका लुक टोटली डिफरेंट था, लाइट पेस्टल कलर में था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सारे जो भी मैं आपको कुर्तीज़ दिखा रही हूँ ना, चिकनकारी कुर्तीज़, यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी 400 रुपीज़ की रेंज से। जो नीचे लगी है ना, आपको यहाँ पे बड़ी सी बड़ी साइज़ भी देखने को मिल जाएगी। इनकी साइजेस ही स्टार्ट होती है मीडियम से, एल एक्सेल ऐसे, आपको स्मॉल साइज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट ये एक और स्टॉल है जहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। इनके पास भी सोबर कलेक्शन था, इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही थी 550 से। इनके पास भी 250 वाले होते वो साइड में रखे हुए थे, मेनली इनके यहाँ पे जो भी डिस्प्ले किए हुए थे ना, वो 550 रुपीज़ की रेंज से स्टार्ट हो रहे थे। बांधने का ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड उसके ऊपर गोटे का वर्क किया हुआ था। ये जो शॉप है ना, ये मेरी फेवरेट शॉप है क्योंकि यहाँ पे कुर्ते सेट्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ना ये सारे ड्रेसेस स्टार्ट होते हैं 650 रुपीज़ की रेंज से। हैंडवर्क में अगर आप देख रहे हो तो इनके पास अभी दिवाली का कलेक्शन बहुत बढ़िया आया हुआ है। 1600 की रेंज से आपको ये सारे ड्रेसेस मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको दुपट्टा पूरा वर्क किया हुआ मिल जाएगा, नेक में अच्छी खासी पैटर्न मिल जाती है आपको, स्लीव्स अच्छी खासी मिल जाती है, स्लीव्स में भी बहुत अच्छा हैंडवर्क था। ये सारे ना एक्सेल साइज में थे, मींस इनमें स्मॉल मीडियम लार्ज आता ही नहीं आता, आई डोंट नो क्यू, बट मुझे मैं बहुत रिग्रेट हो गई थी, मींस बहुत गंदा लग रहा था कि इतने सुंदर सूट्स अपने साइज़ में क्यों अवेलेबल नहीं है। बट जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेल डबल एक्सेल साइजेस मिल जाएगी, उससे छोटी साइज़ इसमें नहीं बनी करके। तो मैं फिर बाकी के चेकआउट करने लगी, बाकी के भी बहुत सुंदर थे, बट ये जो हैंडवर्क है ना वो बहुत सुंदर अभी चला है। एंड टिशू के फैब्रिक पे जो चल रहा है ना वो लेटेस्ट चल रहा है, तो मुझे एक टिशू के फैब्रिक में एक ड्रेस लेना था जिसके ऊपर दुपट्टे पे अच्छा खासा वर्क हो, क्योंकि पूरा लुक ना अपना दुपट्टे से ही आता है एंड बाकी तो सिंपल सोबर होगा चलेगा, दुपट्टा हैवी चाहिए मुझे। इनके पास अगर आपको बेसिक कॉटन में चाहिए तो कॉटन में भी ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे, कॉट सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे 650 की रेंज से। बाकी अगर आपको शरारा सेट्स प्लाजो सेट्स चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट गाइस, इनके पास ना प्लेन डिसेंट कॉटन में कॉर्ड सेट्स चाहिए, जिसके कॉलर पे अगर आपको हैंडवर्क चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट उनके जस्ट पास में एक स्टॉल है जहाँ पे आपको दुपट्टे देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे दुपट्टों की प्राइसिंग चालू होती है 150 से। ये शॉप में आपको हर एक वेराइटी का दुपट्टा मिलेगा, अगर आपको रफल में दुपट्टा चाहिए, प्लेन सीक्वेंस में चाहिए, जॉर्जेट मटेरियल में चाहिए, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में चाहिए, सिल्क में चाहिए, रेयन में चाहिए या फिर बेसिक पॉलिस्टर में भी चाहिए, तो आपको हर एक वैरायटी का दुपट्टा मिलेगा यहाँ पे। ब्राइडल में नेट का दुपट्टा चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, सारे कलर्स। इनके पास डाइबल दुपट्टे भी होते हैं, अगर आपको डाई करवाने होते हैं तो आप डाई करवा सकते हो। और जस्ट जैसे ही मैंने कहा ना, बारून का एक लेसेस का स्टॉल भी लगता है, तो यहाँ पे लेसेस स्टार्ट होती है 20 रुपीज़ पर मीटर से। इनके पास हैंडवर्क वाले लेसेस भी बहुत सारी होती है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे भी आपको ये सारे जो भी दिखाई दे रहे हैं ना ड्रेसेस, ये सारे हैंडवर्क वाले थे, ये सारे मटेरियल थे, इनको आपको स्टिच करवाना पड़ेगा और इनकी प्राइसिंग चालू हो रही थी 1200 की रेंज से।
अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन में क्या होता है ना, अगर आपको नीचे प्लाजो चाहिए तो आप प्लाजो स्टिच करवा सकते हैं, स्ट्रेट फिट पैंट चाहिए तो स्ट्रेट फिट, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे आपको कस्टमाइज़ करवाना हो ना वैसे आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। रेडी में अगर आपको चाहिए तो इनके पास रेडी में भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल थे और उनकी प्राइस एज यूजुअल चालू हो रही थी 1200 से। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो सारे ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे रेडीमेड सूट से, इनकी प्राइसिंग चालू हुई थी 650 से। इनमें आपको टू पीस थ्री पीस दोनों देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नायरा कट, आलिया कट, फ्लेयर में चाहिए, स्ट्रेट फिट में चाहिए तो वो सारी कुर्तीज अवेलेबल थी। हैंडवर्क वाली कुर्तीज़ भी अवेलेबल थी, नॉर्मल प्लेन एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तीज़ भी अवेलेबल थी इनके पास। नेक्स्ट, जहाँ मैंने आपको फुटवेयर दिखाए थे ना, उनके यहाँ पे आपको कुर्तीज़ भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो सारे कुर्तीज़ है ना वो 1500 की रेंज से स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे सेट्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सारी साइजेस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये है एक शॉप जहाँ पे आपको सारे हैंडबैग्स, स्लिंग्स, पर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इनकी प्राइसिंग चालू होती है स्लिंग्स की 250 रुपीज़ से। आप बेसिक का वॉलेट लेते हो तो उसकी प्राइस 150 से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सुंदर कलेक्शन है इस मार्केट में। नेक्स्ट, ये है फातिमा कलेक्शन, यहाँ पे आपको ये बच्चों के कपड़े देखने को मिल जाएंगे जिनकी प्राइसिंग चालू होते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 से। फ्रॉक्स, गाउन्स, टॉप्स, स्कर्ट, जीन्स, डेनिम सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जस्ट पास में एक और स्टॉल था ना, वहाँ पे आपको ये कुर्तीज़ देखने को मिल जाएगी फ्लैट 200 में। एंड जो ऊपर लगी हुई है ना ये पेस्टल कलर्स में, उसकी प्राइस उन्होंने मुझे 500 कोट की थी। बट बाकी जो नीचे लगी हुई कुर्तीज़ है ना, जो ये भैया अभी दिखा रहे, इनकी साइजेस एम से स्टार्ट हो जाती है। इसका एक्चुअली फर्मा छोटा होता है, तो जैसे ही दादा मार्केट में कुर्तीज़ मिलती है ना वो वैसे ही कुर्ती है। और इनकी प्राइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 है। बहुत सारी कुर्तीज़ थी, डेलीवेयर के लिए ठीक रहती है, अगर आपको कैजुअली कहीं पहन के जाना हो फटाफट में तो ये वाली कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाती है। नेक्स्ट, प्योर कॉटन में अगर आपको मटेरियल चाहिए, आई मीन फैब्रिक चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ 100 रुपीज़ पर मीटर से यहाँ पे स्टार्ट होता है। 100 का भी होता है, 120 का भी, 120 का भी होता है, 150 का भी होता है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्रालेट्स चाहिए, पैंटीज चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। पैंटीज की प्राइसिंग चालू होती है 600 से एंड ब्रालेट की प्राइसिंग चालू होती है 120 रुपीज़ की रेंज से। नेक्स्ट, इस शॉप में ना आपको सब कुछ नेट के बेस पे मिलेगा। नेट के बेस पे अगर आपको कुछ बनवाना है तो आपको यहाँ पे नेट के फैब्रिक्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी प्राइसिंग चालू होती है 200 रुपीज़ पर मीटर से। वेलवेट में अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो वेलवेट में भी इनके पास ऑप्शंस थे, बट मोस्टली इनका नेट का बेस का ही कलेक्शन होता है। दुपट्टा भी आपको मैचिंग मिल जाता है, लहंगा, ब्लाउज सब कुछ आप एक ही जगह से ले सकते हो। चलो अब बारी आती है 10वीं गली की। 10वीं गली में ना आपको सारे फैब्रिक्स दिखेंगे। सबसे पहले तो आपको 10वीं गली के बोर्ड के नीचे एक स्टॉल लगेगा, वहाँ पे आपको लेसेस दिखाई देगी। ये हमेशा स्टॉल बड़ा लगता है, इस बार पता नहीं क्यों बीएमसी का लोचा था कि क्या आपको ये ऐसे कम, मतलब पूरा स्टॉक कम हो गया इस बार। तो यहाँ पे लेसेस स्टार्ट होते हैं 30 रुपीज़ पर मीटर से। इनके पास हैंडवर्क की लेसेस चाहिए तो वो मिल जाएगी। 20 रुपीज़ पर मीटर वाली लेसेस भी इनके पास अवेलेबल थी। नेक्स्ट, इस शॉप में ना ऐसे है ना, नॉर्मली रोड साइड ऐसे लगा के रख देते कि कोई भी कपड़ा लो 200 रुपीज़ पर मीटर। कभी कभार यहाँ पे बहुत सुंदर कपड़ा निकल जाता है। निकिल कलेक्शन मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं हमेशा शॉपिंग यहाँ से ही करना प्रीफर करती हूँ। यहाँ से मैंने बहुत सुंदर फैब्रिक लिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फैब्रिक लिया है। इनके पास आपको हर एक रेंज के फैब्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। इनकी रेंज 250 से स्टार्ट होती है। ये वाले जो हैंडवर्क है ना, ये 1200 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट हो रहे थे। बहुत 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 सुंदर थे। एक्चुअल में आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ से ही इनमें से ये क्लॉथ लिया है। ये वाला भी 1200 रुपीज़ पर मीटर था, जिसके ऊपर आपको मशीन वर्क के साथ साथ हैंडवर्क भी देखने को मिल जाएगा। ये जब भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसकी प्राइस 700 रुपीज़ पर मीटर। बहुत सुंदर था। एंड अगर आपको कुछ ऐसे प्लेन बूटों में चाहिए तो वो क्लॉथ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, सीक्वेंस में, वेलवेट में, ऑर्गेन्जा में। टिशू फैब्रिक आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको प्लेन में टिशू फैब्रिक में ऐसे कुछ छोटी छोटी बूटियों का काम चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है 600 रुपीज़ पर मीटर। आप खुद से वर्क करवाने जाओगे तो आपको और महंगा पड़ेगा, तो बेटर है आप ऐसे रेडी में प्रिफर कर सकते हो। डाई करवाना है कोई फैब्रिक आपको तो, अगर आप आपको डाई करवाना है तो आप डाई भी करवा सकते हो। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वाइट में भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर को डाई करवा सकते हो। नेक्स्ट, ये है अनीशा क्रिएशन कलेक्शन। यहाँ पे भी फैब्रिक्स बहुत सुंदर मिलते हैं। एज यूजुअल इनकी प्राइसेंस भी चालू होती है 200 रुपीज़ पर मीटर से।
बहुत सुंदर कलेक्शन होता है, हमेशा डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। पता नहीं इस बार क्यों इतने सारे ऑप्शंस किसी ने भी नहीं लगाए थे, आई मीन पूरे मार्केट में ना बहुत कम कलेक्शन था। दिवाली का सीज़न आ गया है फिर पता नहीं क्यों ऐसे है, मे बी धीरे धीरे लगा रहे होंगे। ये वाला फैब्रिक यहाँ पे 550 रुपीज़ पर मीटर था, जिसके अंदर बहुत सुंदर बूटी लगी हुई थी। बाकी के ये वाले सारे फैब्रिक्स आपको मिल जाएंगे 350 रुपीज़ पर मीटर से। तो अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करवाना हो ना, जैसे अगर मेरे को लहंगा बनवाना है या फिर कोई ड्रेस बनाना है, तो मैं हमेशा 10वीं गली एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर कलेक्शन मिलता है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मेरे कोई भी ड्रेसेस रेडीमेड प्रीफर नहीं करती लहंगों में, मैं हमेशा कस्टमाइज ही करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ एंड खुद ही स्टिच करती हूँ। तो मुझे तो रेडीमेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते लहंगे। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे रेडीमेड कॉटन के सूट्स चाहिए तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। बच्चों के हेयर बैंड्स, बच्चों की क्यूट क्यूट एक्सेसरीज चाहिए तो वो भी इस मार्केट में आपको मिल जाएगी। सो गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते अगले वीडियो में, बाय।